इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिह्वा नासिका नेत्र त्वक कान के वशीभूत जो है काहे का सत्संगी हो। सत्संगी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते। सत्संग से यही प्राप्त होता है कि इंद्रियां भगवत उन्मुख हो जाती हैं, आंख लोचन चातक बन जाए। भरत जी क्या चाहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ जिय के चरनी न जा। आंख से भगवान का दर्शन होगा तो ताप मिटेगा, एक बात। दूसरी बात, जब चल कर जाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा तो ये जो कर्म बना है न जाने किसके प्रभाव से ये नष्ट होगा। कर भगवान के श्री चरणों की सेवा कर लेंगे, धन्यता प्राप्त हो जाएगी। ऋषि मुनि लोग वन में होंगे, उनका दर्शन होगा तो पातक समाप्त हो जाएंगे। कितना लाभ है, भगवान के दर्शन करने की लालसा आ गई, कितने लाभ। और देखिए, भगवान के दर्शन की लालसा जग जाए ना तो बस चल दीजिए। बहुत तैयारी मत करिए, तैयारी तो हो ही जाएगी। हम किसी कार्य की बहुत तैयारी नहीं बनाते। घर से कथा में भी आना होता है तो 20 मिनट की तैयारी करते हैं हम। बस 20 मिनट में अपना एयरबैग में सामान नमस्ते किया और चल दिया। क्योंकि यदि प्रातः काल से तैयारी करेंगे तो घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, लगता है आज जाएंगे। अरे क्या अर्थ है। कई लोग करते कुछ नहीं है, योजना इतनी बनाते हैं कि पूरा घर तबाह हो जाता। हाँ, ऐसा नहीं। देखिए, भरत जी को अयोध्या के राज सिंहासन की व्यवस्था प्रणाम करके सेवकों को सौंप कर जाना था। 3 घंटे में पूरी रचना बनी, भरत भैया चल दिए। क्यों? भगवत दर्शन की ललक हो तो बहुत योजना नहीं बनानी, ऐसा करें। कई लोग कथा की भी बहुत योजना बनाते हैं, अब कथा कराना है। अरे भाई, कब कराओगे, जल्दी कराओ, जल्दी कराइए ना, देर क्यों करना। और सावधान, कहीं भी रहिए तो अपना जीवन जन्म संभरे इसके लिए तीर्थ में वास करने का अभ्यास करें। तीर्थ में वास करना ही आनंद का प्रसंग हो जाता है। धाम वास। भरत भैया कहाँ वास कर रहे हैं? तीर्थ राज में। संपत चक ये भरत चक मुनियाय सुख लवा तेहिन सियाश्रम पिंजरा राखे भिनु भिनुसार हो गया हो। भिनुसार मने भिनु सहारा, भिनुसार मने उषा काल के पहले वाला समय, 3:30 बजे से 5:30 बजे वाले समय को भिनुसार कहते। यही समय विदाई होती है। बेटी भोरे भोरे बेटी भोरे भोरे अपनी ससुरार जाई। बेटी भोरे भोरे अपनी ससुरार जाई।
चढ़ी के डोली अपने पियावा के द्वार गई है। चढ़ी के डोली अपने पियावा के द्वार गई है। बेटी भोरे भोरे अपनी ससुराल गई, भिनसार सब लोग जगे, पुनः स्नान भया कि इन्हीं निमज्जन तीर्थ राजा नाय मुनि सिद्ध सहित समाजा ऋषि आयसु अशीष सिर करि दंडवत विनय बहु भाखी। एक बात यहाँ बड़ी अच्छी है, हो ब्रह्म वेला में घर से चला जाए तो स्नान ध्यान बना के चला जाए, जिससे एक कार्य तो पूरा हो जाए। प्रातः काल 4-5 बजे निकलना हो ना, तो फिर उसको अपने तो फिर रास्ते में बड़ा झंझट होता है, कहाँ रुकें कहाँ ना, हम तो कहीं नहाए धोए लेते हैं। लेकिन जब भोर में हम निकलते हैं तो विधिवत बना के निकलते हैं कि मार्ग में कोई उत्पात न हो, चलो नहीं तो न जाने क्या परिस्थिति हो। ये प्रसंग कहता है, निमज्जन स्नान हुआ तीर्थ राज में, और तीर्थ हैं, तीर्थों के राजा हैं, तो त्रिवेणी संगम में वंदन तो करना ही चाहिए। स्नान किए, भरद्वाज जी को प्रणाम किए। मार्ग कैसे और किस तरह जाना है, ऐसे पथ गति कुशल साथ सबलीने। कहाँ चले? भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। बहुत से जालू में राइट भरत चले चित्र को राम को मनाने। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, नहीं पद त्राण शीश धर्म अमाया। मने व्रत धर्म अमाया, संग साधक सिद्ध सयाने राम राम को मनाने। भरत चले भरत जी का क्या, पांव में पादुका नहीं, जूता नहीं, नहीं पदत्राण, आप सब लोग गर्मी में बैठे हैं, हम तो ठंडे में बैठे हैं,
ठंडा आ रहा है, देखिए यहाँ तक हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आप गर्मी में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं, फिर भी आपको गर्मी नहीं लग रही है, क्यों? आपका मन तन में नहीं है, आपका मन भरत भैया के चरित्र में है, कथा में है, इसलिए गर्मी नहीं लगती है। और भरत भैया का मन परमात्मा में है, इसलिए पांव में क्या है क्या नहीं, छाले पड़े हैं, उसका बोध नहीं हो रहा। धूप सिर पर, नियम कठोर ले रखे हैं, भगवान का दर्शन होगा तभी विश्राम होगा। कुछ नियम रखना चाहिए, लोग नियम लेकर चलते, जो निभ सके वो नियम है। प्रेम का नियम है भरत जी का, व्रत कर रहे हैं, पय पान कर रहे हैं, भगवान के मिलने हेतु धर्म पथ पर चल रहे हैं, संसार के सुख से एकदम निवृत्त हैं, मन से अमाया आराम विश्राम ये सुख। निषाद जी से प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज और माँ की नाना विधि कथाएं सुनते हुए चले जा रहे हैं, भगवान का पावन स्मरण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रभु माँ के साथ विश्राम किए, निषाद जी उन स्थलों को दिखा रहे हैं, भरत जी परिक्रमा लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भरत जी की बिहवल दशा देखकर देवता लोग उनके सौभाग्य पर पुष्प की वृष्टि करते हैं और प्रशंसा करते हैं। सरल हो गई धरती, कोमल हो गई धरती, मृदुमय हो गई धरती, मक्खनमय हो गई धरती। भगवान के पथ पर चल भर दो आप, सब सरल हो जाएगा, ऐसा ये प्रसंग प्रकाश दे रहा है। अरे प्रकृति भरत जी के साथ हो, कि ये जाए छाया जलद जलद सुखद बहे बर पार। वायु शीतल धीमी और सुगंधमय हो गई। तस्सु मगु भयउ न राम कहा जस भर जा। प्रभु को जाते जैसा मार्ग नहीं हुआ, उससे भी दिव्य मधुर मृदुल मार्ग भरत जी के जाते हुआ। क्यों? भगवान दिव्य लक्ष्य से वन में गए थे और भरत जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मार्ग अनुकूल हो गया, मृदुल हो गया। कहते हैं भगवत पथ भक्ति पथ में बड़ी कठिनाई है, हमको तो नहीं लगता है, कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति पथ पर न चलो तभी तक कठिनाई है। चलने वाले के लिए कोई कठिनाई है। विद्यार्थी जिस विषय में रुचि नहीं जगी वही कठिन है, और जिस विषय के पीछे विद्यार्थी पड़ गया वो विषय तो भैया कमलवत हो जाता, क्या कठिन है। जो कार्य आप नहीं करेंगे वो कठिन जान पड़ेगा, जो कार्य आप करने लगेंगे वो सरल हो जाएगा। जड़ चेतन जिन्होंने भगवान को जाते देखा था अथवा भगवान ने जिनको देखा था वो सब परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत जी का जैसे दर्शन प्राप्त हुआ उनका तो आवागमन ही मानो समाप्त हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।